भारत सरकार कचरे से ये क्या बना रही है, इसे देखकर अमेरिका और चाइना जैसे देश भी सदमे में चले गए हैं। जी हाँ, अगर हम आपसे कहें कि कचरे से अब पेट्रोल डीजल जैसे फ्यूल बन सकते हैं, तो क्या आपको यकीन होगा? नहीं ना, लेकिन ये 100% सच है। वहीं ये जानकर भी आपको हैरानी होगी कि जिन सड़कों पर आप चलते हैं, अपनी गाड़ियां दौड़ाते हैं, वो सड़कें इसी वेस्ट मटेरियल यानी कचरे को रिसाइकल करके बनाई जा रही है। भारत में भारत के 11 राज्यों को जोड़ने वाली तकरीबन 1,00,000 किलोमीटर लंबी सड़क को बनाने का काम कचरे से किया गया है। और इस काम में केवल भारत सरकार ही नहीं जुटी, बल्कि देश के कई नौजवान और लोग भी जुटे हैं। तभी तो राजस्थान के एक नौजवान ने कचरे का इस्तेमाल करके फैब्रिक बना दिया। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत दुनिया के करीब 25 देशों से कचरा इंपोर्ट करता है। अब ये सुनकर आप भी शॉक रह गए होंगे। तो चलिए आपको फटाफट बताते हैं कि भारत के इस कचरे के पीछे का राज क्या है। दरअसल भारत हर साल दूसरे देशों से तकरीबन 4.3 करोड़ टन कचरा खरीदता है। इसमें से कुछ तो ई वेस्ट होता है और कुछ होता है प्लास्टिक वेस्ट। इसमें वो प्लास्टिक वेस्ट भी शामिल होता है जिन्हें आप रिसाइकल नहीं कर सकते। तो अब आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि हमारे देश में भला कचरे की कोई कमी नहीं थी जो भारत को बाहर से कचरा इंपोर्ट करना पड़ता है। आखिरकार इतने कचरे का भारत करता क्या है? तो जनाब, अब भारत से कचरा इंपोर्ट करने की पॉलिसी को समझने से पहले जरा यहाँ की सड़कों को देख लें। देखने में तो बिल्कुल आम सी सड़क लग रही होगी, लेकिन क्या आपको पता है ये सड़क प्लास्टिक वेस्ट से बनी है जो भारत के 11 स्टेट्स को जोड़ती है। इसकी लंबाई कितनी होगी? तो सुनिए, 1,00,000 किलोमीटर की लंबी ये सड़क है। इसमें 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 1 टन प्लास्टिक का यूज किया गया है। इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि आने वाले दिनों में इसे 2 गुना किया जाएगा। तो क्या इंडिया दूसरे देशों से कचरा इसलिए इंपोर्ट कर रहा है ताकि भारत की सड़कें बन सके? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इंडिया के इस गार्बेज इंपोर्ट के पीछे 2 नहीं बल्कि कई बड़ी बड़ी रीजंस हैं। इन कचरे को इंपोर्ट करना इंडिया के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है। आप ये जान लें कि 1 टन पेपर को रिसाइकल करने में 17 पेड़, 2.5 बैरल ऑयल, 4,100 किलोवाट बिजली, 4 क्यूबिक मीटर लैंडफिल वाली जमीन और 31,780 लीटर पानी की बचत होती है। वहीं एक इकोनॉमिक सर्वे का ऐसा मानना है कि भारत ऑटोमोबाइल स्क्रैप से यानी जो ऑटोमोबाइल से जो स्क्रैप निकलता है उससे साल 2025 तक 10 मिलियन टन स्टील और 1.4 टन आयरन ओर जनरेट कर लेगा। इससे भारत 16-17% एनर्जी सेव कर सकेगा। अब ये बात हुई भारत सरकार की। अब हमारे देश में टैलेंटेड लोगों की कमी थोड़ी ही है। देखिए कैसे लोग इस कचरे के इस्तेमाल से क्या क्या बना रहे हैं। इन्होंने इस कचरे को कचरा समझने की भूल नहीं करी और कर डाला आविष्कार। इस लिस्ट में सबसे टॉप पर है ये जनाब, जिनका नाम है प्रोफेसर सतीश कुमार। प्रोफेसर सतीश कुमार हैदराबाद के रहने वाले हैं। इन्होंने कचरे से पेट्रोल और डीजल बनाने का इन्वेंशन कर डाला है। जहां पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं सतीश कुमार ने 500 ग्राम रिसाइकल नहीं होने वाली प्लास्टिक से तकरीबन 400 लीटर पेट्रोल बना डाला। और ये पेट्रोल नेचुरल पेट्रोल से 30% सस्ता भी है। इस पूरे प्रोसेस को पैरालिसिस का नाम दिया गया है। वहीं शायद आपको याद हो, साल 2015 में इंडियन क्रिकेट टीम ने एक लीग के दौरान प्लास्टिक वेस्ट से बनी टी शर्ट पहनी थी जिसमें वो काफी कंफर्टेबल भी थे। कुछ उसी तर्ज पर राजस्थान के 17 साल के आदित्य बंगन ने एक कंपनी बनाई जिसमें पर डे 10,000 टन प्लास्टिक कचरे को फैब्रिक में बदला जाता है। जी हाँ, भीलवाड़ा जिले में ट्रैश टू केजर नाम की इस कंपनी से जहाँ कचरा भी कम हुआ है, वहीं लोगों को रोजगार भी मिला है। इतना ही नहीं, भारत में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कचरों में भी रिसोर्सेज को ढूंढ लिया है। अब अपनी राजधानी दिल्ली के कूड़े वाले पहाड़ के किस्से तो आपने सुने ही होंगे। जहाँ कूड़े का पहाड़ वहाँ रहने वालों के साथ साथ सरकार के लिए भी टेंशन का पहाड़ बना हुआ है। लेकिन अब उस कचरे के पहाड़ से बिजली बनाने की पद्धति का इस्तेमाल किया जाने लगा है। दरअसल गाजीपुर के कचरे के पहाड़ के पास एक प्लांट में इससे बिजली बनाई जा रही है। IFNLSK वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में दिल्ली के मुसीबत वाले कचरे को न सिर्फ फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है बल्कि इससे बिजली बनाकर घरों में सप्लाई भी की जा रही है। गाजीपुर में 2,000 टन रोजाना कचरे की खपत क्षमता वाला प्लांट पिछले साल से शुरू हुआ था।
हालांकि इस ऑपरेशन की खपत 1300 टन प्रतिदिन ही रखी गई है, मतलब गाजीपुर पहुंचने वाले 2500 टन में से 1300 टन कचरा इस प्लांट में खपत हो जाएगा, जिसे प्रोसेस करके बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि भारत, यूएसए, यूरोप और मिडल ईस्ट समेत दुनिया के करीब 25 बड़े देशों से कचरा इंपोर्ट करता है। इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम भी शामिल है। दरअसल यह मुद्दा मुनाफे का होता है। राज्यसभा की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि इन कंट्रीज को अपने कचरे को रिसाइकल डिस्पोज करने से ज्यादा मुनाफा उसे इंडिया में एक्सपोर्ट करने से होता है। इसी रिपोर्ट में दिए गए एग्जाम्पल से इसे इस तरह समझा जा सकता है, यूएसए यूरोप में अपने कंप्यूटर वेस्ट को अपने कंट्री में डिस्पोज करें तो इसके लिए उन्हें $20 यानी कि 1500 का खर्च करना होगा, जबकि अगर इस कंप्यूटर को इंडिया के वेस्ट मार्केट में भेजा जाए तो यूएस और यूरोप को इसका कॉस्ट आधा यानी 750 ही पड़ेगा। कुल मिलाकर बात यहाँ सिर्फ और सिर्फ मुनाफे की है। इन वेस्ट को इंपोर्ट करने के लिए जहाँ भारत को पैसे मिल रहे हैं और वो इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और वहीं एक्सपोर्ट करने वाले देशों को भी प्रॉफिट हो रहा है। वैसे दशकों पहले लोगों की सुविधा के लिए प्लास्टिक का आविष्कार किया गया था, लेकिन धीरे धीरे ये वातावरण के लिए नासूर बन गया है। प्लास्टिक और पॉलीथीन के कारण जमीन और पानी के साथ साथ हवा भी प्रदूषित होती जा रही है। बता दें कि पिछले 50 सालों में हमने अगर किसी चीज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है वो है प्लास्टिक। साल 1960 में 50 टन प्लास्टिक बनाया जा रहा था हर साल, जो आज बढ़कर 300 करोड़ टन के पार हो चुका है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सालाना 56 लाख टन प्लास्टिक का कूड़ा बनता है। दुनिया भर में जितना कूड़ा हर साल समुन्द्र में बहाया जाता है उसका 60% हिस्सा भारत ही डालता है। सोचिए दोस्तों, क्या होगा समुन्द्र का, क्या होगा हमारी जमीन का। सिर्फ हमारी खेती की जमीन वो ना अनुपजाऊ होती जा रही है, प्लास्टिक वेस्ट के चलते समुद्री जलीय जीव बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, और हम सब जानते हैं कि फूड चेन भी कोई चीज है, इकोसिस्टम भी कोई चीज है। अगर हमारे समुन्द्र में कचरा डालने की वजह से समुद्री जीव नष्ट हो गए, कोरल रीफ को नुकसान होगा, तो वहाँ का इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो न सिर्फ समुद्र का इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा बल्कि वहाँ से वातावरण भी चेंज हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज का असर बारिश पर भी पड़ सकता है, ठंडी गर्मी का असर पड़ सकता है, बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत घातक हो सकता है। इसलिए पूरी दुनिया को कोशिश करनी चाहिए कि प्लास्टिक का यूज पूरी तरीके से पहले तो बैन कर देना चाहिए, उसके बाद ऐसी फैक्ट्री लगानी चाहिए जिससे पूरी प्लास्टिक वेस्ट को पूरी तरीके से रिसाइकल किया जा सके या किसी तरीके से डिस्पोज किया जा सके, और प्लास्टिक वेस्ट को किसी वैल्यूएबल चीज में काम में लाना चाहिए, जैसे कि एनर्जी या किसी चीज में। वैसे हमारे देश में फैब्रिक बनाया जा रहा है प्लास्टिक से, उसी तरीके से अगर हम प्लास्टिक का वेस्ट सड़कों और फैब्रिक बनाने में किया जाए तो कुछ दशकों में प्लास्टिक धरती से गायब हो जाएगा, मतलब साफ हो जाएगा, और धीरे धीरे हमारी पृथ्वी हील होने लगेगी। कचरा बुरा नहीं है, कचरे में भी अपॉर्चुनिटी खोजी जा सकती है, एक अच्छा रोजगार का मीडियम भी है। जो हमारे देश में बेरोजगारी फैली हुई है, हम उन लोगों से कहना चाहते हैं थोड़ा इस तरफ भी ध्यान दें और इस तरफ भी थोड़ा तलाशें, यहाँ पर करियर बन सकता है। आप यहाँ पर बड़े व्यापार या एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं अगर आप मेहनत करें और सही तरीके से दिमाग लगाएं तो। भारत में इस हिसाब से कचरा फैला हुआ है कि अगर उसे सही तरीके से मैनेज किया जाए तो भारत के हर लड़के को रोजगार मिल सकता है। दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।